Assalamualaikum student of class 4, welcome to online English class. Open your book and page number 2 and 3. Chapter number 1, PP long stocking. Previous video में हमने पढ़ा था कि दो बच्चे टॉमी और अनीका वो रहते हैं विला विक्यूला में और उनके बराबर में मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग जो है आई है. उसके बाद हमने पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग का कैरेक्टर स्केच किया था, उनके बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह की हैं और उसके बाद हमने मंकी के स्केच के बारे में पढ़ा था. चले टुडे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन पेज नंबर 3. स्टार्ट करते हैं. पीपी वॉक अलोंग द स्ट्रीट विथ वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर. पीपी गली में चल रही थी, एक कदम फुटपाथ पर और दूसरा कदम गंदी जगह पर रखते हुए. टॉमी एंड अनीका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर. टॉमी और अनीका उसको देख रहे थे. इन अ लिटिल वाइल थोड़ी देर में शी केम बैक वो वापस आ गई. एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड. अब वो उल्टे कदम चलने लगी, यानी उल्टा चल रही थी. दैट वॉज बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम. ये इसलिए था कि वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी. When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped. जब वो टॉमी एंड अनीका के गेट के पास पहुंची तो वहां रुक गई. The children looked at each other in silence. बच्चे एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे. साइलेंस में खामोशी से देखना, खामोशी से. At last, आखिरकार टॉमी स्पोक. टॉमी बोला, Why did you walk backward? तुम उल्टा क्यों चल रही थी? Why did I walk backward? said Pipi. Pipi ने कहा, मैं उल्टा क्यों चल रही थी? Isn't this free country? क्या ये आजाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk any way she wants to? क्या कोई शख्स इस अंदाज में नहीं चल सकता? Let me tell you that in Egypt everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. मैं आपको बताती हूँ कि मिस्र में कोई अपनी तरह से चलता है, कोई भी नहीं सोचता कि ये ज़रा सा अजीब है. सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, हर कोई जिस तरह दिल चाहता है वो चलता है और किसी को कोई अजीब भी नहीं लगता. इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, ये जगह का नाम है. हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानती हो? आस्क्ड टॉमी. टॉमी ने पूछा. यू नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू? तुम कभी मिस्र नहीं गई क्या? ऐसा ही है. आई नेवर बीन टू इजिप्ट. इन डीड आई हैव. मैं कभी मिस्र नहीं गई, यकीनन मैं गई हूँ. दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ. ये एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हें यकीन होना चाहिए. आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं पूरी दुनिया में गई हूँ. एंड सी मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड. और मैंने बहुत सी अजीब चीज़ें देखी हैं कि लोग उल्टा चल रहे हैं. स्ट्रेंजर अजनबी, अजीब थिंग स्ट्रेंजर यानी अजीब चीज़ें. वर्ल्ड दुनिया वॉकिंग चलना बैकवर्ड उल्टा उल्टे के जाने.
I wondered what you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in further Asia. I wondered, मैं हैरान हूँ कि तुमने क्या कहा अगर वापस आती मैं अपने हाथों पर, जैसा कि दूर दराज एशिया के लोग करते हैं. Now you must be lying, said Tommy. Tommy ने कहा अब तुम झूठ बोल रही हो. Lying means झूठ बोलना. पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट. पीपी ने कुछ देर सोचा. यू आर राइट, तुम सही हो. शी सैड सैडली आई एम लाइंग. उसने उदासी से कहा. सैडली उदासी से कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ. आई एम लाइंग. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. इट्स बिग टू लाई, सैड अनीका. अनीका ने कहा कि झूठ बोलना बुरी बात है. विक मीन्स बुरी बात, लाई मीन्स झूठ. हु हैड एट लास्ट गैदर्ड अप इनफ करेज टू स्पीक. आखिरकार अनीका ने हिम्मत करके बोला. यस इट्स वेरी विक टू लाई, सैड पीपी इवन मोर सैडली. और वो उदास, और ज़्यादा उदास होकर पीपी बोली कि हाँ झूठ बोलना बुरी बात है. बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन. इसे मैं भूल जाऊंगी तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो. एंड हाउ यू कैन यू एक्सेप्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रुथ when my mother is an angel and my father is king of a cannibal island. और तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मेरी तरह छोटा बच्चा हमेशा सच ही बोले. लाइक लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा ऑलवेज सच बोले. सही है. और एक्सेप्ट मीन्स उम्मीद करना. ठीक है. अब वो कह रही है कि मेरी माँ जो है वो एक फरिश्ता है और मेरे फादर जो है कैनिबल आइलैंड के बादशाह हैं. कैनिबल आइलैंड यानी आदम फोरों का जजीरा. एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ. और मेरी तमाम जिंदगी, ऑल माई लाइफ समंदर, ओशन कहते हैं समंदर को, समंदर पर सफ़र करती हूँ. तमाम जिंदगी में समंदर पे सफ़र करती रही. देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यू. फिर पीपी मुस्कुराई और बोली एंड लेट मी टेल यू, और मैं आपको बताती हूँ दैट इन द कोंगो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु दैट इन द कोंगो एंड लेट मी टेल यू. और मैं आपको बताती हूँ दैट इन द कोंगो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल द ट्रुथ. कि कोंगो में, कोंगो जगह का नाम बताया इन्होंने, कोंगो में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि वो सच बोलता हो. दे लाई ऑल डे लॉन्ग. वो तमाम दिन झूठ बोलते हैं. बिगिन एट 7 इन द मॉर्निंग एंड कीप ऑन अंटिल सन डाउन. सुबह 7, जब मॉर्निंग के 7 बजते हैं, सुबह के 7 बजे से लेकर सूरज गुरुप होने तक वो झूठ बोलते रहते हैं. सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन,
यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज मी एंड टू रिमेंबर दैट इट इज ओनली बिकॉज आई स्टेड इन द कोंगो अ लिटिल टू लॉन्ग। अब मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें मुझे माफ़ी दे देनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि मैं कोंगो में कुछ अरसा रही हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा झूठ बोलती हूँ। वी कैन बी फ्रेंड एनी वे कांट वी, बहरहाल क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्या ऐसा हो नहीं सकता? ओह श्योर सैड टॉमी, ओह यकीनन, श्योर मीन्स यकीनन, टॉमी ने कहा। एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वे नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, और अचानक उसे एहसास हुआ, इसको टॉमी को एहसास हुआ कि अब हमारे उकताहट भरे दिनों नहीं होंगे। बाय द वे मीन्स बहरहाल, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी, पीपी ने पूछा कि क्या तुम आओगे, मेरे साथ नाश्ता करोगे? Why not? क्यों नहीं? Said Tommy. टॉमी ने कहा, Come on and let's go. आ जाओ, चलते हैं। Oh yes, let's, said Anika. अनिका ने कहा, Oh हाँ, चलते हैं। But first I must introduce you to Mr. Nilsson, said Pippi. लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टर निल्सन से मिलवाना चाहती हूँ, उनका तारुफ कराना चाहती हूँ, पीपी ने कहा। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप, और छोटे बंदर ने अपनी टोपी उतारी, एंड वो पोलाइटली और शाइस्तगी से झुक गया। मिस्टर निल्सन कौन थे? ये मंकी, उनका नाम रखा हुआ था पीपी ने मिस्टर निल्सन। हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज 8.2। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, टॉमी एंड अनिका लिव नेक्स्ट डोर टू पीपी, पीपी के बराबर में, टॉमी एंड अनिका के बराबर में पीपी आई थी। 2, द मंकी वॉज वियरिंग एन ऑरेंज टाई, क्या मंकी जो है वो ऑरेंज टाई पहना हुआ था? फॉल्स, पीपी शूज वर टू स्मॉल, पीपी के जो शूज थे वो छोटे थे। फॉल्स, टॉमी वॉज वेरी शाई, टॉमी जो था बहुत शर्मीला था। फॉल्स, पीपी वॉक होम बैकवर्ड, पीपी अपने घर उल्टे कदम गई। ट्रू, पीपी इनवाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट, पीपी ने इनवाइट किया टॉमी और अनिका को नाश्ते के लिए। ट्रू। ओके क्लास, यहाँ पर ये हमारी क्लास फिनिश होती है, हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और ये एक्सरसाइज भी आपको इस चैप्टर की और एक्सरसाइज की वर्किंग फ्यू डेज में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपके पेरेंट्स स्कूल से आके कलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।